bounds. हेलो एवरीवन, आज हम बनाने वाले हैं वेजिटेबल बैग। सो आप इस तरीके के वेजिटेबल बैग बना सकते हैं बिल्कुल आसानी से घर पे रखे हुए सामान से, और इसमें मैंने एक भी रुपए खर्च नहीं किया है अपना। इस तरीके के बैग्स को आप अपने फ्रिज में रख सकते हैं, जो वेजिटेबल बास्केट होती है फ्रिज में उसमें रख सकते हैं। और आप अगर इस तरीके से आप अपने फ्रिज में सब्जियों को रखेंगे तो आपकी सब्जियों की लाइफ बहुत लंबी हो जाएगी और वो जल्दी ख़राब नहीं होंगी। और जो भी सब्जियों के ऊपर मॉइस्चर आ जाता है फ्रिज में सब्जियां रखने की वजह से, उसी की वजह से सब्जियां अक्सर ख़राब होती हैं। तो ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेंगे ये बैग्स, क्योंकि ये कपड़े के ऑलमोस्ट बने होते हैं। अगर आप इस तरीके के बैग्स मार्केट से परचेज़ करेंगे तो आपको बिल्कुल मिल जाएंगे, अमेज़ॉन पर अवेलेबल हैं। तो ये 430 रुपीज़ समथिंग में मिलते हैं और डिलीवरी चार्ज लगा के आपको 500 आराम से पड़ जाएगा ऐसे इस तरीके के बैग्स। तो अगर आप इतने पैसे खर्च नहीं करना चाहते हैं तो आप इस तरीके के बैग्स बना सकते हैं घर पे। इस तरीके के जो बैग्स आते हैं कपड़ों के साथ या और भी चीज़ों के साथ, उस तरीके के बैग से आप बना सकते हैं बिल्कुल आसानी से, बहुत इजी है, कोई भी बना सकता है। तो आप इस तरीके के बैग भी यूज़ कर सकते हैं, प्लेन यूज़ कर सकते हैं, प्रिंटेड यूज़ कर सकते हैं, जो भी आप यूज़ करना चाहें। अगर आप कम सब्जियां लेते हैं, अगर आपके घर में कम लोग रहते हैं तो आप इस तरीके के छोटे बैग यूज़ कर सकते हैं, पॉली बैग जो आजकल पॉलीथीन बंद होने की वजह से मार्केट में आ गए हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। छोटे बड़े सिंपल प्लेन जो भी आप यूज़ करना चाहें आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने आपको ऑप्शंस ऑलमोस्ट बता दिए हैं आप किस तरीके के बैग्स यूज़ कर सकते हैं। तो साइज़ आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना है कि आपको किस साइज़ का बैग चाहिए है। तो मैं यहाँ पर 1 इंच छोड़ के ऊपर टॉप से इसको कट कर रही हूँ। अगर आप छोटा बनाना चाहते हैं तो आप और भी छोड़ सकते हैं स्पेस वहाँ पे। तो और जो टॉप पोर्शन है उसको भी हम आगे यूज़ करने वाले हैं स्ट्रिंग बनाने के लिए। सो ये ड्रॉ स्ट्रिंग काइंड ऑफ बैग होने वाला है। सो मैंने इस बैग को उल्टा कर लिया है कट करने के बाद। इसको आपको सारे साइड से इक्वल करने के बाद आपको फोल्ड कर लेना है और इस पर हम फैब्रिक ग्लू लगा के इसको स्टिक करने वाले हैं। तो आप इसको अगर ज़्यादा वॉशेबल बनाना चाहते हैं, ज़्यादा लंबे टाइम तक यूज़ करना चाहते हैं तो आप स्टिचिंग भी कर सकते हैं। सो मुझे जब भी टाइम मिलेगा तो मैं इस पर स्टिचिंग कर लूँगी। तो अभी मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था तो मैंने वीडियो बनाने के लिए इस पर फैब्रिक ग्लू का यूज़ किया है। आप फैब्रिक ग्लू का भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं आप नहीं कर सकते हैं। बट अगर आप और अच्छा चाहते हैं, बेस्ट ऑप्शन अगर मुझसे पूछें तो आप स्टिचिंग, मैं हमेशा कहती हूँ आप स्टिचिंग करिए। तो फैब्रिक ग्लू क्या है कि आप धोएंगे जब इसको अगर गंदा हो गया तो ये निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप फैब्रिक ग्लू यूज़ कर सकते हैं, हॉट ग्लू यूज़ कर सकते हैं, और चाहे तो स्टिचिंग मशीन से कर सकते हैं, हाथ से कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें, आपको अच्छा लगे आता हो वो आप कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर फैब्रिक ग्लू से इसको स्टिक कर रही हूँ। तो फैब्रिक ग्लू से स्टिक करना स्टार्टिंग में आपको लगेगा चिपक ही नहीं रहा है, बट उसके थोड़ी देर बाद ही आप अगर इसको क्लॉथ क्लिप या किसी भी चीज़ से दबा के रख देंगे तो ये जल्दी से स्टिक हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, स्टिक हो जाता है फैब्रिक ग्लू से। कपड़ों के लिए फैब्रिक ग्लू बनाई जाती है स्पेशली। तो मैंने इस तरीके के क्लॉथ पिंस जो होते हैं उससे इसको लगा दिया था तो ये जल्दी से सूख गया था। तो इसको 15 से 20 मिनट लगता है सूखने के लिए। तो मैंने इसको इस तरीके से उल्टा कर लिया है और इसमें बीच में स्पेस क्रिएट हो गया है जिसमें हम स्ट्रिंग डालेंगे आगे चल के। तो ये हमारी फोल्डिंग तो रेडी हो गई है, अब इसके लिए हम स्ट्रिंग रेडी करेंगे। तो स्ट्रिंग के लिए जो हमने टॉप मोस्ट पार्ट निकाला था तो उसका जो पतला वाला पोर्शन है नीचे वाला, उसको मैं कट करके उसकी स्ट्रिंग बनाने वाली हूँ। अगर आप दो स्ट्रिंग वाला जो पाउच टाइप का बनाना चाहते हैं तो आप इन दोनों पार्ट को यूज़ कर सकते हैं, बट मैं एक स्ट्रिंग वाला ये बैग बना रही हूँ। तो आप ये नीचे वाला पोर्शन बेस्ट रहेगा क्योंकि इसको फोल्ड करके स्टिच करना बहुत ईजी रहता है। तो आप इसको फोल्ड करके फैब्रिक ग्लू से भी चिपका सकते हो, बट स्टिचिंग मैंने कहा ही था ऑलवेज गुड, क्योंकि ये नहीं तो अगर हम स्टिचिंग नहीं करेंगे तो फैब्रिक ग्लू से बहुत जल्दी निकल रहा था। तो मैंने स्टिचिंग कर लिया है तो ये मुझे टाइम मिला था। तो मैंने इसकी फैब्रिक ग्लू जहाँ से लगाई थी बैग पे उस पर भी मैंने स्टिचिंग कर ली थी। तो आप फैब्रिक ग्लू स्टिचिंग जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं। सो मैंने स्ट्रिंग को इस तरीके से कट लगाया था साइड से बैग में, अब मैं वहाँ से क्लिप लगा के इसमें स्ट्रिंग को इंसर्ट कर रही हूँ। तो स्ट्रिंग को इंसर्ट करना कोई
बड़ी बात नहीं है, कोई भी कर सकता है। तो आप इस तरीके से कर लीजिए, बस आप खींचते जाइए जल्दी जल्दी, तो ये आराम से इंसर्ट हो जाता है। केयरफुली करना है क्योंकि ये बैग इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं कि आप इसके साथ ज़्यादा वो करें। तो लास्टली मैंने यहाँ पे एक दो नॉट भी लगा दिए हैं जिससे स्ट्रिंग अंदर को खींचे तो अंदर कोई ना चली जाए। सो दो से तीन नॉट आप लगा सकते हैं। सो हमारा बैग ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। आप इन बैग्स को सिंपली इसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, बट अगर आप इनको और भी डेकोरेटिव बनाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से आगे चल के मैं आपको डेकोरेशन के मेथड बताऊंगी, तो आप उस तरीके से डेकोरेट कर सकते हो। सो अगर आप इन पे जो वेजिटेबल्स हैं उनके स्टिकर टाइप के लगाना चाहते हो तो आप इस तरीके से, जो मैं पुराना एक बैग था उस तरीके से मैंने उस पर भिंडी और भी सारे वेजिटेबल्स ड्रॉ कर लिए थे जिससे मैं इन पर चिपका सकूँ, और जब भी मैं सब्ज़ियाँ अगर वेजिटेबल में ट्रे में ढूंढूं तो मुझे जल्दी से मिल जाए। सो ये पुराने जो भी कपड़े थे मैंने इनको अच्छे से वॉश करके उसके बाद उस पर पेंसिल की हेल्प से इस तरीके से शेप्स ड्रॉ कर लिए थे। बैंगन, मिर्ची और जो कैप्सिकम शिमला मिर्च होती है, रेड, ग्रीन और जो भी थी, तो मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर लिए थे। ये सारे इमेजेस मैंने डाल दिए जिस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो। सो ये पिक्चर्स मैंने गूगल से निकाली थी तो मैंने इसमें भी डाल दी कि आप अगर बनाना चाहो तो आप इस तरीके से देख के बना सकते हो स्क्रीनशॉट लेके। तो इस तरीके से आपको फैब्रिक ग्लू की हेल्प से इसको स्टिक कर लेना है बैग के मिडिल में, बिल्कुल सेंटर में, ना ऊपर ना नीचे, बिल्कुल सेंटर में आपको इसको पेस्ट कर लेना है। सो आप फैब्रिक ग्लू की हेल्प ले सकते हो, स्टिचिंग कर सकते हो उनको स्टिक करने के लिए, या हॉट ग्लू यूज़ कर सकते हो। बेस्ट ऑप्शन मैं कहूँगी आप स्टिचिंग कर लें, तो मैं अभी के लिए सिर्फ इसको फैब्रिक ग्लू की हेल्प से चिपका रही हूँ। फैब्रिक ग्लू की हेल्प से भी अच्छे से स्टिक हो गया था तो ज़रूरत नहीं पड़ी थी इसको स्टिचिंग की, बट अगर आप और भी ज़्यादा अच्छा बनाना चाहते हो अपना बैग, तो स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो, तो आप स्टिचिंग कर सकते हो धीरे धीरे से हाथ से, जो अपन हम लोग नॉर्मल स्टिचिंग करते हैं आप वो कर सकते हो। इस तरीके से आप इनको चिपका दीजिए, बहुत इजी था इनको चिपकाना वगैरह तो, और जल्दी से इसको जल्दी जल्दी आपको पेस्ट करना है जिससे फैब्रिक ग्लू सूख ना जाए, और आपको सब कुछ इस तरीके से सारे चिपका देने हैं। इनको चिपकाने से आपके बैग अच्छे भी लगने लगते हैं, और आप जब फ्रिज में सब्जियां ढूंढते हैं जल्दी जल्दी में तो कभी कभार मिलती नहीं है, कहाँ रखी थी, तो इनको आप डायरेक्टली देख के समझ सकते हो, हाँ इस बैग में टमाटर हैं, इस बैग में बैंगन हैं, इस बैग में कैप्सिकम है, जो भी है आप जल्दी जल्दी से ढूंढ सकते हो और आपका काम ईजी हो जाएगा, आपका फ्रिज और भी अच्छा लगने लगेगा पहले से, और थोड़ा ऑर्गेनाइज भी हो जाएगा। तो इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं, और सबसे अच्छी बात तो मुझे इसमें ये लगी कि इसमें हमारे पैसे भी खर्च नहीं हो रहे, हमारा बैग का बैग भी रेडी हो गया है। ये पुराने जो बैग घर में इधर उधर डले होते हैं वो भी यूज़ हो गए हैं, पुराने कपड़ों का भी यूज़ हो गया है, और कुछ भी हमारा लगा भी नहीं। तो इसमें मैंने सिर्फ फैब्रिक ग्लू का यूज़ किया है, और ये फैब्रिक ग्लू आपको 15-20 रुपये में आराम से मिल जाती है। सो ये नेक्स्ट मैंने ये भिंडी के दो पीसेस कट किए हुए थे तो मैंने वो भी चिपका दिए, और उसके ऊपर दो बुक भी रख दी जिससे वो जल्दी से स्टिक हो जाए। तो नेक्स्ट मैं ये इसी तरीके से कैप्सिकम को चिपका रही हूँ, तो आप कैप्सिकम को इस तरीके से चिपका सकते हो, और ये ऊपर से थोड़ा थोड़ा वाइट वाइट दिखने लगेगा जब हम फैब्रिक ग्लू से चिपकाएंगे, बट टेंशन की कोई बात नहीं है, बाद में सूखने के बाद ये बिल्कुल भी नहीं दिखता है। तो आप, मैंने इस तरीके के और भी शेप्स कट करके रखे थे बट ये मुझे टाइम नहीं मिला उस तरीके का बैग बनाने के लिए। सो मैंने मिर्च के लिए लाइक बाद में बना लूँगी मैं, बट अभी मुझे नहीं मिला था टाइम। मैंने इस तरीके से बैग्स रेडी कर लिए हैं कैप्सिकम टमाटर के लिए, सबसे ज़्यादा जो आपके घर में जो भी वेजिटेबल्स आती हैं आप उनके स्टिकर्स बनाएं, जैसे मेरे घर में हमेशा लाइक टमाटर, भिंडी, कैप्सिकम, बैंगन ये सबके घर में आते हैं, तो मैंने चारों इसीलिए बनाए हैं। तो ज़्यादातर मेरे घर में यही वेजिटेबल्स आती हैं तो मैंने ये बनाए हैं, आपके घर में जो भी वेजिटेबल आती हो आप उस तरीके के बैग बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बैग कितने सुंदर लग रहे हैं, मुझे बहुत अच्छे लगे, आपको कैसे लगे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसे लगे। सो आप देख सकते हैं मुझे बहुत 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 अच्छे लगे हुए बैग, मुझे लगा नहीं था ये इतने अच्छे टर्न आउट होंगे, मैंने बस सोचा था कि मैं ये हाँ ये मैं बनाऊँगी कुछ टाइम में, और ये बहुत सुंदर लगे, और फ्रिज में रखने के बाद तो ये बहुत और भी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे सब्जियाँ रखने के बाद। सो
सो आप इस तरीके से इनको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसमें अभी टमाटर रख के दिखाने वाली हूँ कितना इजी होता है। आप इसमें बहुत सारे टमाटर रख सकते हो, ऐसा नहीं है ये बैग जैसे जो मार्केट में आते हैं उसमें आप इतना सामान नहीं रख सकते हो। इसमें आप 1 से 2 केजी आराम से टमाटर रख सकते हो। ये मैंने 1 केजी ऑलमोस्ट रखा था टमाटर और आराम से आ गया था इसमें। तो कैपेसिटी इसकी बहुत अच्छी है, स्ट्रॉन्ग भी है क्योंकि इसमें हमने ज़्यादा मेहनत भी नहीं की है और ये ऑलमोस्ट लाइक बने बनाए थे तो स्ट्रॉन्ग है। हमने इसमें खुद की स्टिचिंग नहीं की है। इसमें आप देखिएगा ये छोटू सा बैग लग रहा था बट इसमें मेरे ऑलमोस्ट जितने भी बैगन मेरे पास थे सारे आ गए थे यार। मुझे लगा नहीं था ये इतने छोटे से बैग में मेरे बैगन सारे आ जाएंगे बट ये आराम से बैगन इसमें आ गए थे और इतने बड़े बड़े मैंने 5 से 6 बैगन इसमें डाले थे तो आ गए थे। आप जिस तरीके की वेजिटेबल ज़्यादा क्वांटिटी में लाते हैं तो आप उस तरीके के बड़े बैग बनाएं और जो छोटी लाते हैं कम क्वांटिटी में तो वो छोटे बैग बनाएं। जैसे बैंगन हमारे घर में कम आते हैं तो मैंने छोटा सा बैग बनाया था और कैप्सिकम हमारे घर में ज़्यादा आती है और टमाटर ज़्यादा आते हैं तो मैंने बड़े बड़े बैग में उनके स्टिकर्स लगाए हुए हैं। तो आप उसके हिसाब से अपने स्टिकर लगाएं। तो ये मैंने इस तरीके से अपनी वेजिटेबल रखी थी और ये भिंडी भी इसमें जितनी भिंडी मेरे पास थी इस बैग में सारी आ गई। तो आप समझ सकते हो इसकी कैपेसिटी कितनी ज़्यादा होगी और ये मार्केट में जो हम बैग्स लेते हैं तो वो इतने ज़्यादा कैपेसिटी वाले नहीं होते हैं और सब्ज़ी उनमें ज़्यादा क्वान्टिटी में नहीं आ पाती है तो वो वेस्ट ही हो जाते हैं। ऑलमोस्ट आधी सब्ज़ी आपको अलग अलग रखनी पड़ती है। तो इसमें आपकी ये बड़े वाले जो बैग में हैं उसमें आपसे 1 से 2 केजी 2.5 केजी आराम से सब्ज़ियाँ आ जाएंगी और इसको आपको फ्रिज में रखना ही तो है तो इसको कैरी करने के लिए आप, मैं नहीं कहूँगी आप इसमें कैरी कर सकते हैं बट आप इसको आप आराम से फ्रिज में रख सकते हैं और जब भी अभी आपको ज़रूरत हो आप आराम से निकालिए। 1 से 2 वीक के लिए आपकी सब्ज़ी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर होगा वो ये सब जो बैग है वो एब्जॉर्ब कर लेगा और जो उसके ऊपर स्टिकर है उसके आराम से आप समझ सकते हैं कौन से बैग में आपने कौन सी सब्ज़ी रखी हुई। सो ये है मेरी वेजिटेबल ट्रे, इसमें रखने वाली हूँ मैं जो हमने वेजिटेबल बैग्स बनाए हैं वेजिटेबल स्टोरिंग बैग्स। तो ये सबसे पहले मैंने भिंडी रख दी है इसमें अच्छे से और आपको जो स्टिकर है उसको आपको टॉप पे कर देना है जिससे आप जब भी वेजिटेबल ट्रे को खोलें तो आपको सामने बस जो सब्ज़ी दिखे तो आप सारी सब्ज़ियाँ देख सकते हैं जो आपको चाहिए हो आप वो उठा लीजिए। सो मैंने भिंडी टमाटर कैप्सिकम बैंगन सब इसमें रख दिया है और सब आराम से मुझे दिख रहा है। मुझे जब भी चाहिए होगा बस मैं आराम से लाइक 1 मिनट भी नहीं लगेगा मुझे और मेरी सब्ज़ी मेरे सामने होगी। सो ये कुछ पिक्चर्स हैं मेरी वेजिटेबल ट्रे और वेजिटेबल पैक्स के साथ। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे वीडियो को बहुत सारा लाइक दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं। तो आप ज़रूर इन बैग्स को बनाकर ट्राई कीजिएगा और आपने बनाए हो तो उसकी पिक्चर्स भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।